इस समय लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पे प्रियंका जी अंदर लखनऊ के कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या क्या देख रहे हैं कि क्या बदलाव आएगा कांग्रेस की स्थिति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ये तो आप सब लोग और जितने भी जी उत्तर प्रदेश के वासी हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो मीडिया से हों, चाहे सामान्य हों, चाहे कारोबारी हों, चाहे यूथ हों, चाहे महिलाओं, वो सबको एहसास होने लगा है क्या बदलाव आएगा, बदलाव दिखने लगा है। जी बिल्कुल, कल जो कार्यक्रम हुआ, कल जो आपका रोड शो हुआ, वो वाकई में काफी प्रभावशाली रहा है। एक सवाल उस बीच में भी उठा कि प्रियंका गांधी की जो लोकप्रियता है, कहीं वो लोकप्रियता राहुल गांधी को पीछे तो नहीं छोड़ देगी? ये आप लोगों का भ्रम है जी, ये आप लोगों का भ्रम है जी। हमारे पास लोकप्रिय नेताओं की, विश्वसनीय नेताओं की और नीतियों और मूल्यों पर राजनीति करने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट है। बीजेपी के पास मोदी से शुरू होकर मोदी तक खत्म होना बस। आप लोग मोदी से लड़ाई की बात करते हैं, ऐसे में गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में बसपा और समाजवादी पार्टी का, आपको जगह नहीं मिली, इस चुनौती को कैसे पार करेंगे? कांग्रेस कैसे अपने आप को उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगी? ये चुनौती बीजेपी और गठबंधन वालों से कोई ज्यादा बेहतर होगा जी, क्योंकि आज सबको एहसास है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है। अधिकांश सीटें हम जीतेंगे जी, बीजेपी जीरो सीट जीतेगी जी। और ये इस बात का उसे आभास भी है बीजेपी को, तभी बीजेपी के लोग इतने बौखलाए हुए हैं और आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों के साथ आप जमीन पे उतरेंगे, कांग्रेस किन मुद्दों पे? देखिए, किसान का मुद्दा है, नौजवान का मुद्दा है, रोजी रोजगार का मुद्दा है, कारोबार का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, भाईचारे का मुद्दा है, राष्ट्र की बेहतरी का मुद्दा है जी। यही सब मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रयागराज जा रहे थे जी, लखनऊ एयरपोर्ट से उनको रोक लिया गया, प्रशासन अच्छा ने उनको जाने नहीं दिया गया वहां से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमें नहीं पता क्यों रोका गया, क्या बात थी, हमें धन्यवाद हमसे बात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि किसानों के मुद्दे हैं चाहे नौजवानों के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर वो जमीन पे उतरेगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस बेहतर करने जा रही है। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।